अपने मोबाइल के अंदर SNB अल हाली बैंक एप्लीकेशन कैसे चालू करें। SNB अल हाली बैंक एप्लीकेशन में इंटरनेट बैंकिंग कैसे चालू करें। अगर आपके पास SNB अल हाली का अकाउंट है और आप अपने मोबाइल के अंदर SNB अल हाली एप्लीकेशन चालू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से SNB बैंक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर नीचे रजिस्टर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लीज़ एंटर योर आईडी नंबर, यहाँ पर आपको अपना ईकामा नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं ईकामा नंबर डाल देता हूँ। ईकामा नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर रीसेट यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट वन यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मादा डेबिट कार्ड यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने मादा कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है जो है मादा कार्ड का नंबर है। तो यहाँ पर आपको मादा कार्ड का नंबर डालना है और नीचे पिन के अंदर आपको अपने ATM का पिन नंबर डाल देना है। यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। मादा कार्ड का नंबर और ATM का पिन नंबर डालने के बाद नीचे नेक्स्ट करना है। अब आपके SNB अल हाली में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है, अलाउ कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ चुका है और आपको यहाँ पर एक नया अपने SNB का पासवर्ड बना लेना है। आपको अपने इंग्लिश का सबसे पहला वर्ड कैपिटल, उसके बाद स्मॉल और उसके बाद आपको 3, 2, 4, 5 जो भी आपको यहाँ पर लगाना है, कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 15, और 8 और 15 के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखकर इस तरह इस टाइप के पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। जो पासवर्ड आपने बनाया है वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट करना है। अब आपके मोबाइल पर एक कॉल आएगी, उस कॉल को आपको रिसीव कर लेना है। तो यहाँ पर हमें कॉल आ चुकी है। Saudi National Bank. You have requested to update your credentials for SNB Mobile. Please press 1 to proceed with updating your credentials for SNB Mobile. To cancel, press 2. Activate ke liye 1 bola isne. Your authentication was successful. Please proceed to the next step via SNB Mobile. Have a nice day. तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको नीचे यहाँ पर टैग टू मी लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन डालकर चेक कर लेना है आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर इसके मैं ओके करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ चुका है, जो आपका ईकामा नंबर है वही आपका यूज़र नेम है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर मैं जो पासवर्ड हमने अभी बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालकर इसको लॉगिन करेंगे। जो पासवर्ड मैंने बनाया है उसको यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद लॉगिन यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है, अलाउ कर देना है। इसके बाद अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है, आपको यहाँ पर रजिस्टर विद कॉल बैक यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके मोबाइल पर दोबारा से फिर कॉल आएगी, उस कॉल को आपको रिसीव कर लेना है। यहाँ पर हमें कॉल आ चुकी है, इसको रिसीव कर लेते हैं। Bank. Due to a login attempt to your account from a different device, would you like to authenticate a new device to log in to your account through our digital channels? To confirm, press 1.
कंफर्म कंफर्म के लिए वन. Please enter the last four digits of your debit card number. अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के चार नंबर यहाँ पर डाल देने. Sorry, the number is not. Please enter your ATM card PIN number. अपने एटीएम का पिन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है. Dear customer, the one-time transaction password has been sent to you. Please wait and start entering the password once you. आपको यह एक पासवर्ड सेंड करेगा. उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर डाल देना है. देखो हमें यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है. Your new device has been authenticated successfully. Thank you for using Saudi National Bank. Have a nice day. इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है. आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डिवाइस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है. टैग मी टू लॉग इन यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है. अब आपके एसएनबी भी हाल ही में मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उसको अलाउ कर देना है, डाल देना है. आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर चालू हो चुका है. इस तरह से आप अपने एसएनबी एन हाली बैंक एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर चालू कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें.